हाय एम्पियंस, सो स्वागत है आपका उमिंग बैच के इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ हम लोग अपना फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो भौतिकी का सबसे मज़ेदार टॉपिक है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 5 लाइट यानी प्रकाश। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी फिजिकल साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसी का ये लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका इस बार 17 मार्क्स का आएगा, तो बहुत मार्क्स वाइज ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये सब, ठीक है। तो अब हम लोग लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी बेसिक से लाइट के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग लाइट के बारे में जो एडवांस स्टडी हम लोग का 10th क्लास में वो सब करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले प्रकाश, इसका परिचय थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाश एक्चुअली है क्या, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं समझ लेते हैं जो आपको आगे आने वाली स्टडी में काम करेगी, आपकी 10th क्लास में चीज़ों को समझने में आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगी ये सारी परिभाषाएं, ठीक है। तो हो सके ये सब परिभाषा आप लोग जानते होंगे या किताबों में नहीं लिखा होगा, तब भी इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब परिभाषा अगर आपके जहन में रहेगी तो आगे आने वाली जितनी भी परिभाषा है उसको समझने में ये सब क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रकाश लाइट, ठीक है। प्रकाश आपको पता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास जिनसे हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है, ठीक है। हम लाइट को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे वस्तुएं होती है हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, जिनसे हमें लाइट नहीं मिलता है। तो जिनसे हमें लाइट नहीं मिलता मतलब प्रकाश जिससे हमें प्राप्त नहीं होता उसको हम एक अलग नाम दे देंगे, और जिन वस्तुओं से लाइट यानी प्रकाश हमें मिलता है उन वस्तुओं को हम एक अलग नाम दे देंगे, ठीक है। तो हम इस आधार पर अपने आसपास की वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश मिलती है, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम वस्तुओं को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। पहला आता है दीप्तिमान, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं लुमिनस। ठीक है, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत ये क्या है, वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश यानी लाइट मिलता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीप्तिमान। वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उन्हें दीप्तिमान या दीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। परिभाषा याद रहेगा, हमारे आसपास उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें लाइट मिलता है यानी प्रकाश मिलता है, ठीक है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी, आपकी दीप्तिमान कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलिए उदाहरण भैया क्या है इसका, तो बोलिए पहला सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपका तारा। सूर्य भी एक्चुअली में एक तारा है, लेकिन आप लोग तारा समझ सकते हैं, उन सब चीज़ों से भी हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को ऑन कर देने पर, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे रहेगा तो उसे प्रकाश नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे उसको ऑन कर देंगे हम लोग को क्या मिलने लगेगा, प्रकाश मिलने लगेगा, ठीक है, उससे प्रकाश निकल के हम तक पहुंचेगी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका क्या होगा, आपका दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, मतलब ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद मोमबत्ती, वो भी जलता हुआ मोमबत्ती, भैया जलता हुआ मोमबत्ती मतलब जैसे कैंडल जो होता है, ठीक है, ऐसे अगर उसको नहीं जलाइएगा तो उससे किसी प्रकार का प्रकाश नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही उसको जला दीजिएगा उससे क्या होगा, आपको प्रकाश निकलने लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये सब तो आप देखते होंगे। तो मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती आपका क्या कहलाएगा, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, लेकिन जब वो मोमबत्ती नहीं जलेगा तो क्या कहलाएगा, वो उससे प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में हमको रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती को हम जला देंगे उसको क्या मिल जाएगा, वो हमें दीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है।
लकड़ी, लकड़ी क्या दीप्तिमान प्रकाश स्रोत है? नहीं, लेकिन जलता हुआ लकड़ी, ठीक है, जलता, अगर किसी लकड़ी को आप जला दिए, जलता हुआ लकड़ी, तो उससे क्या निकलने लगा, प्रकाश निकलने लगेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, जलता हुआ लकड़ी। तो समझ में आया, सूर्य, तारा, इलेक्ट्रिक बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लकड़ी, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास है, ठीक है, जिन चीजों को भी आप जला दीजिएगा उससे अपने आप आग निकलने लगेगा, प्रकाश निकलने लगेगा, पूरे घर में छा जाएगा, ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाएगी, आपकी दीप्तिमान प्रकाश स्रोत ही कहलाएगी। लेकिन किस कंडीशन में, जब उसको जला दीजिएगा। लेकिन ये देखिए, सूर्य, तारा, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब चीजों को भी से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगी, आपकी अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत। अब दूसरा भैया, दूसरा परिभाषा क्या है, दूसरा देखो, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत, बहुत सिंपल सा परिभाषा है, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत, नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, नॉन लुमिनस, इसलिए बल्ब का नाम भी रहता है, कोई कोई बल्ब का नाम रहता है लुमिनस बल्ब, ठीक है, लुमिनस मतलब ऐसा बल्ब जिससे प्रकाश निकलेगा, इसलिए लुमिनस, दीप्तिमान, ठीक है, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा इन सब चीजों को जो हमारे आसपास रहते हैं। अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत वे क्या होंगे, वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। समय, वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता, किसी प्रकार का लाइट उससे नहीं निकलता, अगर उससे लाइट निकलेगा नहीं तो हमें प्रकाश प्राप्त होगा नहीं, तो वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी, आपका अदीप्तिमान। उदाहरण के तौर पर आपकी पृथ्वी, हमारी आपकी हम सब की पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी, क्या पृथ्वी से किसी प्रकार का लाइट निकलता है, नहीं निकलता है, तो पृथ्वी किसका होगा, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत का उदाहरण होगा, ठीक है। उसी प्रकार चंद्रमा, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ के रखेंगे, चंद्रमा में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देता है, तो चंद्रमा में क्या कहलाएगा, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत। जैसे ये हमारा कलम या मार्कर, जो भी बोलिए, आपका किताब, ठीक है, आपका कुर्सी, समझ लीजिए कुर्सी, आपका घर का दीवार, ये सारी चीजें क्या, अदीप्तिमान, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से कुछ कुछ, जैसे किताब को जला दीजिएगा, ठीक है, जलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जला दीजिएगा तो क्या होगा, उससे प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, दीप्तिमान कहलाएगा, लेकिन सिर्फ किताब बोलेगा तो वो अदीप्तिमान ही कहलाएगा। तो समझ में आया, दीप्तिमान मतलब वे सारी वस्तु जिससे लाइट निकलेगा, अदीप्तिमान मतलब वे सारी वस्तु जिससे लाइट यानी प्रकाश नहीं निकलेगा, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, दीप्तिमान अदीप्तिमान। तो आप भी कर सकते हैं, अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक को दीप्तिमान, एक को अदीप्तिमान, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे प्रकाश नहीं निकलता होगा उनको अदीप्तिमान का कैटेगरी में रखिएगा, और जिससे प्रकाश निकलता होगा उसको दीप्तिमान कैटेगरी में रख दीजिएगा, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन कीजिए, यहां तक हम मिटा देंगे, ठीक है, मिटा दें, मिटा ही देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिससे हमें प्रकाश यानी लाइट निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उससे निकलता है, और कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। इस आधार पर हम वस्तुओं कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है प्रकाशीय माध्यम, ठीक है, प्रकाशीय माध्यम, ये क्या होता है, माध्यम क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के लिए माध्यम बोलने का मतलब क्या है, जहां से प्रकाश गुजर सकता है, मतलब जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकाशीय माध्यम। वे सारे स्थान जहां से प्रकाश गुजर सकता है उसे
क्या कहलाएंगे आपके, वे सारे स्थान जहां से प्रकाश गुजर सकता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझ में आया, वे सारे स्थान जहां से प्रकाश गुजर सकता है, जहां जिसके आर पर प्रकाश जा सकता है, वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रकाशीय माध्यम। अच्छा बोलिए, क्या पानी, पानी के आर पर, यहाँ कोई पानी का डिब्बा रखा रहेगा, यहाँ टॉर्च चलाएंगे तो क्या इस पानी का जो ये रहेगा उसके आर पर प्रकाश जा पाएगा? हाँ जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा, पानी आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा, क्योंकि इसके आर पर जा सकता है। कोई कांच का मोटा सा टुकड़ा रहेगा उसके इस तरफ इस तरह से कांच का एक मोटा सा टुकड़ा यहाँ पे इधर बल्ब जलाए तो बल्ब की रोशनी क्या दूसरी तरफ जा पाएगी? हाँ, बल्ब की रोशनी इस बल्ब से निकलेगी और इस कांच को पार करते हुए दूसरी तरफ जा सकती है। तो इसीलिए कांच भी क्या कहलाएगा, आपका प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा, ठीक है। या फिर हवा, क्या हवा में प्रकाश जा सकता है? हवा, आपको ये तो सबको पता है, घर में बल्ब लगा रहता है, बीच में क्या होता है, हवा रहता है, तो प्रकाश क्या होता है, हवा से होते हुए हम तक पहुंचती है, तो हवा से भी प्रकाश क्या गुजर सकता है, तो हवा भी क्या कहलाएगा, आपका प्रकाशीय माध्यम। इसी प्रकार बहुत सारा होता है, तेल होता है, तेल के आर पर भी प्रकाश जा सकता है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, आपका प्रकाशीय माध्यम कहला सकता है, ठीक है। दूध या किसी प्रकार का अल्कोहल, शराब, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी प्रकाशीय माध्यम कहलाएगी, जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है वो क्या कहलाएगी, प्रकाशीय माध्यम। लेकिन आप सोचिए, दीवार, दीवार के आर पर, दीवार के अंदर से प्रकाश गुजर सकती है? नहीं, तो वो प्रकाशीय माध्यम नहीं कहलाएगी। लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा या लकड़ी, ये सब क्या कहलाएगी, प्रकाशीय माध्यम नहीं कहलाएगी, ठीक है। दीप्तिमान और दीप्तिमान कहलाएगी इसमें से, ठीक है। लेकिन प्रकाशीय माध्यम क्या, दीवार के आर पर प्रकाश, दीवार के दीवार से होते हुए प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता, इसलिए सब प्रकाशीय माध्यम नहीं कहलाएगी। जिसके आर पर प्रकाश जा सकता है, जहां से प्रकाश गुजर सकता है, वही क्या कहलाएगी, आपकी दीप्तिमान प्रकाशीय माध्यम कहला सकती है। माध्यम अभी समझ में आया, उसके बाद माध्यम के दो प्रकार होते हैं, वो थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा बोलिए, सुबह के समय आप लोग सब उठते होंगे तो देखते होंगे सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है, ठीक है। सूर्य आपको पता है कहाँ है, अंतरिक्ष में है, सूर्य तो सबको पता है कहाँ है, अंतरिक्ष में है, ठीक है। अच्छा, अंतरिक्ष में, ये तो सबको पता है, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, हवा नहीं है, ये तो सबको पता है, अंतरिक्ष में क्या नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है। ये तो सबको, ब्रह्मांड में हमारे हवा नहीं है, ठीक है, हवा नहीं है। जिस स्थान पर हवा नहीं होता उसको निर्वात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। जिस स्थान पर हवा नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, निर्वात बोलते हैं, याद रहेगा, याद रहना ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, याद रहना। जहाँ पे, जिस स्थान पे हवा नहीं होता उसे निर्वात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हवा है तो इसको निर्वात नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस स्थान पे यहाँ का सारा हवा निकाल दिया जाए, एक हवा, हवा का एक छोटा सा अणु भी अगर यहाँ पे ना रहे तो हम बोलेंगे क्या, ये निर्वात हो गया, मतलब यहाँ किसी प्रकार का हवा नहीं है, ठीक है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश आपको पता है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, ये तो आपको पता है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, ये भी आप लोग को पता होगा। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार की हवा या गैसें हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है, हवा या गैसें, ये भी आप लोग को पता है। तो बोलिए, प्रकाश यहाँ से, प्रकाश अंतरिक्ष से सूर्य का प्रकाश निकलता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, सूर्य से प्रकाश निकलता है यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, और ये भी आपको पता होगा, ठीक है, कि 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग लगभग क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुँच जाती होगी। ये सब चीज़ें आपको जनरल में पता होगा, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उस बात को ध्यान से सोचिएगा, ये जहाँ पे हवा नहीं है उस स्थान को क्या बोलते हैं, निर्वात या वैक्यूम बोलते हैं, या कभी कभी शून्य भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, इससे MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी इतना सुनिए, जहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ सूर्य से होते हुए, निर्वात से होते हुए पृथ्वी तक पहुँचती है। अच्छा बोलिए, तो सूर्य का प्रकाश ये जो जहाँ से जा सकता है वो तो माध्यम, ये प्रकाशीय माध्यम हुआ, ये एक प्रकाशीय माध्यम हुआ, ठीक है। अब बोलिए, सूर्य का प्रकाश जहाँ हवा नहीं है क्या वहाँ से गुजर सकता है? हाँ गुजर सकता है, ये उदाहरण है इसका, सिंपल सा उदाहरण। जहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा नहीं है बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ हवा नहीं है
अर्थात यह जहाँ हवा नहीं है वहाँ से भी सूर्य का प्रकाश गुजर सकता है। ये बात तो आप लोग सिंपल सा, ये आप रोज़ ऑब्जर्व करते होंगे, डेली ऑब्जर्व करते होंगे ये चीज़ें, ये सारी घटनाएं, ठीक है, प्रकृति में हमारी नेचर में होती रहती है कि सूर्य अंतरिक्ष में है, सूर्य के आसपास हवा नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है, तो जो भी सूर्य का प्रकाश होगा, जैसे भी आता होगा, ठीक है, इसको पार करके ही आना पड़ता है। अब तुमको यहाँ से यहाँ आना है बाबू, तो तुमको यही एक रास्ता है, ठीक है, तो तुमको यहाँ से आते हुए उड़ के भी आएगा, तो यहीं से ना आएगा, ठीक है, यहीं से आएगा, तो वही सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ तक पहुँचना है तो इधर से अंतरिक्ष से होते हुए हम तक पहुँचेगी, तो अंतरिक्ष से होते हुए अगर पहुँच रही है तो बताओ इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी सूर्य का प्रकाश जा सकता है, जहां किसी प्रकार का माध्यम नहीं वहां से भी सूर्य का प्रकाश जा सकता है। देखो ये माध्यम है सब चीजें, लेकिन यहां पे तो कुछ नहीं है, यहां पे तो कुछ नहीं है ना, देख सकते हो यहां पे ना पानी है, ना कांच है, ना हवा है, ना तेल है, ना शराब है, तो यहां पे किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो वहां से प्रकाश किरणें गुजर सकती है, इस बात को सोचो, यहाँ किसी कुछ नहीं, यहाँ शून्य है, वैक्यूम कुछ है ही नहीं, ना हवा है, ना किसी प्रकार का कुछ चीज़ है, लेकिन यहाँ से प्रकाश गुजर सकता है, तो जहाँ किसी प्रकार का माध्यम ना हो वहाँ से प्रकाश गुजर सकता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हाँ देखो एग्जांपल यही है, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रकाश तो गुजर सकती है, जा सकती है ना, हाँ जा सकती है। अच्छा बोलो वायुमंडल में, वायुमंडल के चारों तरफ क्या है, गैस है, देखो गैस है, यहाँ पे गैस है, तब भी यहाँ से वायुमंडल को पार करते हुए सूर्य की जो किरण है पृथ्वी तक पहुँचती है, इस बात को तो तुम लोग ऑब्जर्व करते ही होगे, जानते ही होगे, या नहीं करते तो अब ध्यान से सुनना, चीज़ों को समझना, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ से भी प्रकाश गुजर सकती है, और जहाँ माध्यम है या यहाँ पे हवा हो, पानी हो, किसी कोई भी चीज़ हो, वहाँ से भी प्रकाश गुजर सकता है, मतलब प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम बोलने का मतलब ये, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है तब भी प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है तब भी प्रकाश को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस पॉइंट से लिख सकते हैं क्या, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी प्रकार का किसी प्रकार की माध्यम यानी मीडियम की, माध्यम मतलब होता है मीडियम, ठीक है, इंग्लिश में माध्यम की दो बार लिख दे, की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे पता चला, देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है डायग्राम के माध्यम से तुमको हम बताया, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें होती है जिससे ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, देखा कि प्रकाश जहाँ माध्यम नहीं है उसको यहाँ तब भी प्रकाश जा सकता है, जहाँ माध्यम है उससे भी प्रकाश को एक जगह से दूसरे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जा सकता है। तो भैया ये माध्यम होता क्या, इसको थोड़ा और एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा अगर हम बोले, अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और हमारे आसपास क्या, अभी हवा है, और मेरा बगल में कोई दूसरा आदमी खड़ा रहेगा, अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो इसको कब सुनाई देगा, जब यहाँ हवा रहेगा ना तभी इसको ये सारी बातें सुनाई देगी, मेरी जो बात है, जो आवाज़ है, उसको उसके कान तक कब पहुँचेगी, जब यहाँ पे हवा रहेगी, हवा उसको लेके जाएगी और उसके कान तक ले जाएगी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हवा ना रहे, यहाँ का सारा हवा निकाल दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए ना, तो मेरा बगल में रहेगा, हम कितना भी जोर से चिल्लाएंगे ना तो उसको सुनाई नहीं देगा, मतलब हम बोल सकते हैं मेरे बात को, साउंड को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हवा यानी एक माध्यम की जरूरत पड़ी, लेकिन प्रकाश को देखो, यहाँ हवा नहीं है, या पानी नहीं है, कांच नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश को यहाँ से यहाँ जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा है, क्या प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या प्रकाश पानी से गुजर सकता है, हाँ गुजर सकता है, पानी के आर पार जा सकता है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, पानी हटा देंगे तब भी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। इसको नोट डाउन करो, मिटा दे ये गुजर से, ठीक है, सौ मत समझो, मिटा दे, तो मिटा देती है भैया, ओके। ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो होगा लाइट से वो पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे, जहन में रखोगे, तो सारा जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा।
अब दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट क्या, समझ लो कोई प्रकाशीय दीप्तिमान प्रकाश स्रोत है, क्या है दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, मतलब जलता हुआ, दीप्तिमान मतलब जानते हो जलता हुआ मोमबत्ती, ये क्या होगा दीप्तिमान प्रकाश स्रोत। अब हम जलता हुआ मोमबत्ती ना लिखे, सिर्फ मोमबत्ती लिखेंगे, मोमबत्ती लिखने का मतलब वो जला के ही हम लिखे, ऐसा हम समझ लें तुमने, ठीक है। अब सोचो जैसे एक आदमी होता है, आदमी को अपने घर से स्कूल जाना है तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी घूमते 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 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जब प्रकाश होता है वो अगर उसको यहाँ से लेकर इस मोमबत्ती से लेकर यहाँ तक जाना है, मेरे आँखों तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ मोमबत्ती जला दिया, अगर मोमबत्ती का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है ना तो जाहिर सा बात है यहाँ से ऐसे ऐसे करके आता होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होता आता होगा। लेकिन क्या प्रकाश ऐसे ऐसे टेढ़ा करके आता है, नहीं, प्रकाश यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा, क्या यहाँ से निकल के प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा। चूँकि प्रकाश का पथ जो होता है, रास्ता होता है, प्रकाश कैसे जा रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश यहाँ से पहुँच के यहाँ तक मेरी आँखों तक पहुँचता है तभी हम उसको देख पाते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन हाँ यहाँ जब आ जाता है तभी हम इसको देख पाते, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन प्रकाश जाता किधर से होगा, इधर से होगा, तो इस बात को हमेशा याद रखना, प्रकाश जो इधर से जाएगा इधर जाएगा ना, वो ऐसे ऐसे टेढ़ा उड़ा नहीं जाएगा, वो सीधा ऐसे चला जाएगा। हम लोग जो क्या होता है इधर से टेढ़ा इधर से टेढ़ा उधर से टेढ़ा ऐसे करके चले जाते हैं, लेकिन प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ना तो जो सीधा रास्ता होगा ना सीधे ही रास्ता से जाएगा, ठीक है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग क्या करना, घर जब रात्रि का समय रहेगा उस समय क्या करना, पूरा रात हो जाएगा तो पूरा अंधकार हो जाएगा, उस समय अपने जो टॉर्च है, टॉर्च होता है ना उसको ऑन करना, देखना कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रकाश क्या होगा, सीधा निकलेगा, इससे तुम ये लेजर लाइट मारते हो तो कैसे निकलता है, सीधा ही जाता है। तो इससे हम पता, प्रकाश जहाँ से निकलता है किसी दूसरे जगह पर जब जा रहा है ना तो वहाँ से प्रकाश सीधा जाता है, कैसे जाता है, सीधा जाता है। अब सीधा जाता है लेकिन हमको तो दिखाई नहीं देता, तो हम लोग प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन रेखाओं के माध्यम से ऐसे ऐसे रेखा पार देंगे, बोलेंगे यहाँ से प्रकाश ऐसे सीधा जा रहा है, इन रेखाओं के माध्यम से हम बताएंगे कि प्रकाश इस मोमबत्ती से निकल के यहाँ तक पहुँचा है। तो इन रेखाओं को जिसके माध्यम से हम प्रकाश के पथ को दिखाते हैं, चिन्हित करते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश किरण, क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। एक बार और, एक बार हो जाए, हो जाए, समझ लो ये बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ठीक है, बल्ब तो नहीं लग रहा है, सम बल्ब है, बल्ब से निकल के प्रकाश यहाँ तक पहुँचा होगा, तो प्रकाश बल्ब से निकल के इसका जो फिलामेंट होगा इससे प्रकाश निकल के यहाँ तक ऐसे ही गया होगा, समझ रहा, यहाँ से निकल के यहाँ तक गया होगा तो सीधा गया होगा, और हमको दिखाना है कि प्रकाश यहाँ से यहाँ गया, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे और क्या करेंगे, ऐसे एरो दिखा देंगे। ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि प्रकाश ये बल्ब से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। अगर एरो ऐसे कर दिए तो ये गलत हो जाए, क्योंकि प्रकाश इधर से निकल के इधर जा रहा है, लेकिन एरो इधर कर दिए मतलब ये इधर से आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए एरो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जहाँ से जिधर जा रहा है उधर एरो दिखाना पड़ेगा। तो ये प्रकाश किरण समझ में आया, प्रकाश किरण को हम क्यों माने, क्योंकि प्रकाश हमें सच में तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, प्रकाश हमें सच में दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ से प्रकाश निकलता है वो चीज़ हमें दिखाई देता है, उससे लग रहा है प्रकाश निकल रहा है, लेकिन जब जिस रास्ते से प्रकाश आ रहा है क्या रास्ते में किसी प्रकार प्रकाश तुमको आते हुए दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, जब डायग्राम वाइग्राम बनाएंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने ही क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सीधा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधा जाता है, तो हम एक सीधी रेखा खींच देंगे, बोलेंगे इससे प्रकाश निकल के इधर जा रहा है, तो एरो से दिखा देंगे। इसी चीज़ को जब हम दिखाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलेंगे। तो प्रकाश किरण की अगर परिभाषा कोई पूछेगा, प्रकाश किरण क्या होता है, या रे ऑफ लाइट क्या होता है, चूंकि प्रकाश हमेशा हमेशा सीधे पथ मतलब सीधा रास्ता पर गमन करता है, तो उसके पथ को हम सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा, सरल रेखा के माध्यम से दिखाते हैं। इन रेखाओं को ही प्रकाश किरण कहते हैं,
समझ में आया ना, प्रकाश किरण मतलब इससे प्रकाश निकलेगा कहीं दूसरे जगह तक पहुंचेगा। तो अब प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है वो प्रकाश हमको बीच में पता, इससे निकलता हुआ हमको दिखाई देगा लेकिन बीच में कैसे आ रहा है वो हमको पता नहीं, लेकिन हमको पता सीधा आता मतलब यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे ही जाएगा ना। तो यही अब इस चीज़ को जो हम अंकित करते हैं कॉपी में उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रकाश किरण। मतलब ये क्या है, प्रकाश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे कोई मोमबत्ती है, समझ लो यहाँ मोमबत्ती है, ठीक है, तो इधर तुम खड़ा है तो प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, समझ गया। अगर तुम इधर खड़ा है तो प्रकाश इधर भी जाएगा, तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ खड़ा है तो प्रकाश यहाँ से निकल के ऐसे आएगा, मतलब चारों तरफ निकलेगा ना, तो तुम जिस पॉइंट पे खड़ा है उस तरीके ऐसे दिखाना पड़ेगा। सर प्रकाश किरण कैसे कहते हैं, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। हम अभी तक क्या समझे, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि निर्वात वाला तुम लोग जानता ही है, निर्वात में हवा हवा पानी वानी कुछ नहीं है, तब भी वहाँ से प्रकाश आ रहा है। उसके बाद प्रकाश किरण को समझे। अब तुम लोग को जैसे पता है प्रकाश का चाल का बात करते हैं, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल या स्पीड ऑफ लाइट। अभी हम जितना भी चार पांच वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। अभी जितना भी प्रकाश का हम बात करें, ठीक है, वो श्वेत प्रकाश, मतलब किसी प्रकार का श्वेत मतलब वाइट लाइट का ही हम बात करें, ठीक है, लाल या लेजर लाइट से जो लाल पीला हरा उस प्रकार के प्रकाश का हम बात नहीं करें। अभी हम जितना भी बात करेंगे सब और सब किसके लिए करेंगे, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, आइदर किसी वाइट जो बल्ब होता है उससे जो प्रकाश निकलता है, उन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, जो रेड होता है, येल्लो होता है, इस टाइप का जो प्रकाश होता है, इन सब बल्बों से जो प्रकाश निकलता है उसका हम बात नहीं करें, लेकिन उसके लिए भी ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। तो अभी हम सिर्फ श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट का ही बात करें, इतना कर लो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, प्रकाश क्या होता है, हमारी और पृथ्वी के बीच की दूरी, सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। मतलब 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश निकलता होगा, निकलते निकलते क्या होता होगा, आपका 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेता होगा। मतलब एक सेकेंड में कुछ ना कुछ दूरी तो तय करता होगा ना, तो एक सेकेंड में प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का चाल, आप ऐसे समझते हो। इकाई सेकेंड, एक सेकेंड मतलब इकाई समय में प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी उस माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, अभी के लिए तुम समझ लो, प्रकाश का वेग या चाल लिख लो, चाल कहलाता है। मतलब एक सेकंड में प्रकाश किसी भी माध्यम में कितनी दूरी तय करता है, एक सेकंड में कितना दूर जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, स्पीड। जैसे आप लोग बाइक का स्पीड के बारे में जानता होगा, बोलता होगा आज हम लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलाए, मतलब एक घंटा में हम 120 किलोमीटर की दूरी तय किए, वो उस समय बाइक का स्पीड कहलाता है। उसी प्रकार इकाई समय में मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश का स्पीड कहलाएगा, और उस माध्यम में किस कहाँ पर वो उस दूरी को तय करता है, पानी में तय करता है या हवा में तय करता है, यह समझ सकते हो, किसी भी माध्यम तो समझ सकते हो, बता ही दिए। ठीक है, तो हम अलग अलग माध्यम के बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, जैसे निर्वात मतलब जहां हवा नहीं होता वहां पे प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग या स्पीड कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना होता है।
एक सेकेंड में प्रकाश इतना 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की दूरी, मीटर की दूरी तय करता है। कहाँ पे? जहाँ हवा नहीं है। तो समझ, ये बहुत बड़ी दूरी है, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10^2 से गुना कर देते हैं। तो 3×10^8×10^2 और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, या बोल सकते हो 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, या फिर उसी को मीटर में कन्वर्ट करके बोलोगे तो एक सेकेंड में 3×10^8 मीटर की दूरी तय करता है। ये कितना होता है पता, इसी को अगर हम तोड़ के बताएं तो 3×10^8 3×0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, दस लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है एक सेकंड में। जब अंतरिक्ष से प्रकाश आ रही होती हो तो 30 करोड़ मीटर की दूरी प्रकाश तय करता है, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। समझ सकते हो ये दूरी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये दूरी क्या है, बहुत बड़ी दूरी है, ठीक है। तो इतना दूर वो प्रकाश जाता है, इसी प्रकार वो 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो किलोमीटर में, ये मीटर में, ठीक है। तो इकाई तो तुम लोग जानते ही होगा, ठीक है। हवा, हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है, हवा, जहाँ हवा है वहाँ प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है, तो प्रकाश का वेग हवा में, प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है, लगभग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होता है। इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, लेकिन 10th क्लास में तुम बोल सकते हो जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी प्रकाश एक सेकेंड में इतना तुम्हारा मीटर जाता है, और जहाँ हवा है वहाँ भी प्रकाश एक सेकंड में इतना मीटर जाता है, ठीक है। जैसा होता है ना, कोई अच्छा रास्ता रहता है तो हम बहुत स्पीड में चलाते हैं, एक घंटा में बहुत दूर चल जाता है। कोई उबड़ खाबड़ अच्छा रास्ता नहीं रहेगा तो उसमें हम कम स्पीड में जाते हैं। तो हर जगह मेरा स्पीड क्या होता है, बाइक का स्पीड क्या होता है, कम होता है। उसी प्रकार तुम लोग समझ सकते हो अभी कि हर माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है चलने का, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम जल का बात करें, ठीक है, जल का बात करें तो जल में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 2.26×10^8 मीटर पर सेकेंड। मतलब निर्वात और हवा में प्रकाश थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करता है, लेकिन एक सेकंड में अगर तुम जल में प्रकाश को बोलेगा भाई चल तुम, तो एक सेकंड में 2.26×10^8 मीटर की दूरी तय करे, मतलब इतना ही दूर हो जा पाएगा। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखना, और बहुत सारा है लेकिन अभी उतना हम कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अभी आप लोग बस इतना ही समझना कि हर माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन निर्वात और हवा में लगभग सेम होता है, या बोल सकते हो बराबर होता है। लेकिन तुम बोलेगा पानी में चलने तो वो उतना स्पीड से नहीं चल पाएगा। जैसे अगर हम बोले तुमको एक प्लेन रास्ता है तो वहाँ पे तुम गाड़ी चलाएगा 120 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन कीचड़ वाला उबड़ खाबड़ रास्ता है तो वहाँ तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना। उसी प्रकार समझो हर माध्यम में, अगर पानी में बोले, पानी भी क्या एक माध्यम, वहाँ प्रकाश को बोले चलने तो वहाँ उसका स्पीड कम जाता है, लेकिन हवा में उसका स्पीड ज़्यादा रहता है, ठीक है। इस प्रकार तुम समझ सकते हो। तो हम बोल सकते हैं हर माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हर माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, या चाल या स्पीड बोलो, अलग अलग होता है। कहीं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये तुमको इम्पोर्टेंट है लिखने का, तो सबसे ज़्यादा लिखो, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड में प्रकाश कब चलता है, एक सेकंड में सबसे ज़्यादा दूरी प्रकाश कब तय करता है, तो वो निर्वात में, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक दूरी, या निर्वात या प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। समझ सकते हो ये इतना बहुत ज्यादा है। जैसे तो उस तुम एरोप्लेन पे बैठ जाएगा, जितना भी इंडिया का सबसे या वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पे बैठ जाएगा, कुछ जितना दुनिया का सबसे, जो सबसे ज़्यादा स्पीड में तुम समझता है उस पे अगर तुम बैठ जाएगा ना, और वो जितना स्पीड में चलेगा ना, ये उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना स्पीड में ये प्रकाश चलता है, ठीक है। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है,
जो प्रकाश के स्पीड को टच कर सके, इसके आसपास भी आ सके। समझ, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ का होता है तो प्रकाश की किरणों का, ठीक है। प्रकाश एक जगह, अब प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश, किसी प्रकार का श्वेत, चाहे वो सूर्य से निकले चाहे वो व्हाइट बल्ब से निकले। तो क्वेश्चन पूछे क्या व्हाइट बल्ब से निकला हुआ प्रकाश, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश, दोनों का जो स्पीड होता है वो हवा में सेम रहेगा? तो हाँ, हवा में सेम ही रहेगा, दोनों एक ही प्रकार का प्रकाश है, इसलिए एक माध्यम में दोनों का सेम रहेगा। लेकिन हवा में उसका हवा में अलग रहेगा, और इसी को पानी में ले जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? अलग अलग। लेकिन सेम माध्यम रहेगा तो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो निर्वात या हवा में प्रकाश का जो स्पीड होता है जो सबसे अधिक होता है, और वो कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन प्रकाश का वेग सबसे अधिक कब होता है? निर्वात या हवा में, उसको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी को हम लोग सी से दिखाते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू है उसी को हम लोग सी से दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान का नियम जब पढ़ाएंगे, वर्तन पढ़ाएंगे, तो वहाँ काम आएगा सी क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सी 3×10⁸ मतलब निर्वात या हवा में जो प्रकाश का वेग है उसको ही हम लोग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, या उसी को सी के बराबर लिख देंगे। तो अभी कहीं हमको अगर लिखना पड़ेगा प्रकाश का, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, तो सी लिख देंगे, इसी को लिख देंगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही, और कोई काम नहीं है इसका। तो समझ में आया, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात या हवा में होता है। दुनिया में इससे स्पीड में, प्रकाश के वेग से स्पीड कोई भी चीज़ नहीं है। प्रकाश एक सेकंड में जितनी दूरी तय कर सकता है, किसी भी प्रकार का ट्रेन, किसी प्रकार का हवाई जहाज एक सेकंड में उतनी दूरी तय नहीं कर सकता। इस चीज़ों को बस याद रखिएगा। मिटा इसको, मिटा देते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना तो लाइट चैप्टर इतना इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए कि क्या बोले। इसलिए बेसिक चीज़ों को एकदम पकड़ के रखो, बेसिक जितना पढ़ा रहे अगर उसको बना के रखोगे, कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा तो सवाल इजीली, कोई भी सम्स होगा, न्यूमेरिकल्स होगा या प्रॉब्लम होगा, इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहा तो, ठीक है। अब देखो, प्रकाशीय माध्यम हम लोग को पता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे क्योंकि काम था। प्रकाशीय माध्यम अब दो प्रकार के होते हैं, जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है वो दो प्रकार के होते हैं, उसको दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होता है समांग माध्यम, दूसरा होता है असमांग माध्यम। माध्यम जो जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है, जहाँ से प्रकाश का गुजरना संभव है, जाना संभव है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है समांग, एक होता है असमांग, ठीक है। समांग माध्यम, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम तुमको बोले बाबू एक बहुत ही प्लेन रास्ता है, वहाँ पे ऐसा ऐसा बोर्ड का जैसा ऐसा प्लेन रास्ता है, तो यहाँ पे तुम गाड़ी चलाओ या मोटरसाइकिल चलाओ तो तुम्हारा हर जगह स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा हर जगह। यहाँ भी तुम्हारा स्पीड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। और यही कहीं ऊबर खबी नीचर कभी ये वो रहेगा, ऊबर खाबर रास्ता रहेगा, तो कभी तुम स्पीड में जाएगा, कभी स्लो में जाएगा, कभी स्पीड में, तो हर जगह तुम्हारा स्पीड क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। उसी प्रकार अगर किसी माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है, अगर किसी माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है तो अगर हर जगह पे, हर बिंदु पे प्रकाश का जो वेग है वो अगर एक समान है तो वो माध्यम क्या लगेगा? समांग माध्यम। और हर जगह पे, उसी माध्यम में हर जगह पे प्रकाश का वेग क्या अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा? असमांग माध्यम। तो समांग माध्यम क्या होता है? कुछ होता नहीं, जनरल एक दो बार यूज होगा, सिर्फ नाम समांग माध्यम, इसीलिए हम परिभाषा भी लिखा रहे हैं। समांग माध्यम क्या होता है? वह माध्यम, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग में प्रकाश का वेग समान होता है उसे समांग माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। भैया थोड़ा एक बार और समझा दीजिए, लो अभी समझा दे, समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो थे एक कोई माध्यम है, समझ लो हवा है,
हवा से प्रकाश को गुजरना स्टार्ट किए तो प्रकाश से मतलब यहाँ बल्ब जला दिए तो प्रकाश होते हुए इधर जाएगा कहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रकाश का जो वेग है वो चेक किए तो कितना आएगा, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चेक किए तो 3×10^8 मीटर, मतलब इस हवा में कहीं भी प्रकाश जाए हर भाग में प्रकाश का जो वेग रहेगा कहीं भी कम बेसी नहीं होगा, हर जगह क्या रहेगा एक समान रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश जब गुजरेगा तो हर जगह पे प्रकाश का वेग क्या रहेगा, समान रहेगा, एक समान रहेगा, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, समांग माध्यम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो हवा निर्वात पानी कांच का टुकड़ा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, अल्कोहल हीरा, ठीक है, हीरा लिख सकते हो, शराब लिख सकते हो, शराब मतलब शराब, ठीक है, ये नहीं कि उसमें पानी नहीं मिला दिया ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, शराब, ठीक है, तो सिर्फ शराब रहेगा तभी का बात करें, ठीक है। हवा निर्वात पानी कांच हीरा ये सारी चीज़ें क्या कराएगी आपका, समांग माध्यम कहलाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगा, समांग माध्यम। अब पानी मतलब ऐसे शुद्ध पानी, प्योर वाटर, ठीक है, ये नहीं कि उसमें विभिन्न प्रकार का गंदगी है, धूल मिट्टी, ऐसा नहीं, शुद्ध पानी या शुद्ध जल, ठीक है, मिनरल वाटर, ऐसा अगर चीज़ रहा तो इससे अगर प्रकाश को गुजरना पड़ रहा तो हर जगह पर इस प्रकाश का जो स्पीड रहेगा वेग रहेगा वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तो समांग माध्यम, एक समान समांग माध्यम। तो असमांग माध्यम की परिभाषा क्या होगी भैया, ऐसा जगह जहाँ पे प्रकाश का वेग क्या होगा, हर जगह पे हर बिंदु पे क्या हो, अलग अलग हो, समझ में आ रहा है ना चीजें। वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग में प्रकाश का वेग, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग में प्रकाश का वेग समान या बराबर नहीं होता है उसे असमांग माध्यम कहेंगे। जैसे अगर हम बोले कि एक ये लो गिलास, लो गिलास में ऊपर में तेल रख दो, तेल तेल मिला दो और क्या मिला दो, तेल पानी, तेल पानी मतलब ये दोनों तो मिलता नहीं है, ऐसे तुम्हें कन्फ्यूज होगा, समझ लो किसी प्रकार का अल्कोहल मिला दो, शराब मिला दो, तो अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण होगा, मिश्रण इन दोनों का जो मिश्रण होगा, तुमको पता है पानी में प्रकाश का वेग अलग होगा अल्कोहल में अलग होगा, लेकिन दोनों को अगर मिला दो तो जो एक मिश्रण तैयार होगा उसके कुछ पार्ट में अल्कोहल पाया जाएगा, कुछ पार्ट में पानी मिला रहेगा, ठीक है, वो जो मिश्रण होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ों का जो मिश्रण होता है, दो अलग अलग माध्यम को एक दूसरे के साथ मिला दोगे तो दोनों माध्यम में और वो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें प्रकाश का जो वेग होगा वो हर जगह क्या होगा, असमान होगा। जैसे वायुमंडल, वायुमंडल भैया वायुमंडल में प्रकाश का वेग अलग होता है, हाँ अलग होता है, वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत माध्यम पाया जाता है, वायुमंडल में हवा तो रहता ही है, हवा के साथ जलवाष्प भी रहता है, ठीक है, जलवाष्प भी रहता है, तो ये जो पूरा वायुमंडल जिसमें ये सारे धूल कण उलकण सब रहता है, तो सब जगह पर प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी कम, कभी कभी 3×10^8 मीटर होता है, कभी उससे थोड़ा कम हो जाता है, कभी उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार पूरा जो वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल बोलेंगे, वायुमंडल क्या कहलाएगा, असमांग माध्यम कहलाएगा। लेकिन हम लोग को अभी सिर्फ समांग माध्यम ही समझना है, तो इसको ध्यान रखना कि ऐसा माध्यम जिसमें हर भाग में प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होगा, समान होगा। जैसे कांच, कांच से अगर प्रकाश को गुजारना पड़े तो यहाँ भी प्रकाश का वेग यहाँ यहाँ हर जगह पे क्या होगा, एक समान होगा। ये समझ में आ गया, मिटा दें, मिटा दिया। अब तीन गो ला दो परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, और जिसके बाद ये जो आज का वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग भी फिर से एनर्जी में आ जाइए क्योंकि अब क्लास ख़त्म होने वाला ही है, तो जल्दी जल्दी तीन परिभाषा समझ लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं उसको तीन भागों में बांटेंगे, वस्तुओं देखने के आधार पर, देखने के आधार पर वस्तुओं का विभाजन बोल सकते हैं, विभाजन मतलब बंटवारा, विभाजन, विभाजन देखने के आधार पर वस्तुओं का विभाजन, देखने के आधार पर मतलब क्या भैया, महंगा और सस्ता नहीं, महंगा और सस्ता नहीं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिसके आर पार हम देख पाते हैं,
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे पास जिसके आर पार हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे पास जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं या थोड़ा बहुत देख पाते हैं। तो इस आधार पर, देखने के आधार पर हम अपने आसपास की वस्तुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा है अपारदर्शी वस्तुएं और तीसरा है अर्ध पारदर्शी दर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत काम आएगा। पारदर्शी वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब समझ लो कांच है, यहाँ बहुत बड़ा कांच है, ठीक है, हम कांच का इधर है, तुम कांच का उधर है, ठीक है, कांच है, ठीक है, रंगीन उंगीन काट नहीं, सिंपल सा कांच है, ठीक है, जो ग्लास व्लास लगा रहता है, ठीक है, ऐनक होता है, जो ये होता है उसमें जो कांच होता है उस टाइप का कांच है। तो हम कांच का इधर है, तुम कांच का उधर है, लेकिन हम तुमको देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो कांच है वो क्या होता है? पारदर्शी, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग घड़ी देखता है, घड़ी में क्या होता है? घड़ी में ऐसे देखता है तो घड़ी के ऊपर कांच लगाता है, लेकिन कांच का उधर भी दूसरी तरफ भी तुम देख पाता है ना, क्यों? क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी है, समझ में आया? तो वे सारी वस्तुएं जिसके पार हम देख पाते हैं, आर पार मतलब इधर उधर देख पाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पारदर्शी वस्तु। जैसे मिठाई दुकान में होता है, मिठाई दुकान में बड़ा बड़ा कांच लगा रहता है, उसके अंदर मिठाई रखा रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग मिठाई को देख पाते हैं, कांच को पार करके, कांच के दूसरी तरफ मिठाई रखा रहता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि कांच क्या होता है? पारदर्शी होती है, ठीक है। और चश्मा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण चश्मा, कोई कोई चश्मा पहनता है लेकिन चश्मा का आर पार उसको दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ कांच लगा रहता है तब भी आर पार दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी है। तो भैया सिर्फ कांच पारदर्शी है नहीं, एग्जाम्पल लिख लो, आपका जो कांच होता है वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। आपका जो शुद्ध पानी होता है उसके भी आर पार आप देख पाइएगा तो भी क्या कहलाएगा? आपका पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? आपकी पारदर्शी कहलाएगी, जिसके आर पार आप देख पाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें पारदर्शी होते हैं ना उसके आर पार प्रकाश भी जा सकता है। पारदर्शी वस्तुओं के आर पार प्रकाश भी जा सकता है। ये कैसे भैया? इसका सिंपल सा उदाहरण हम बोले, अगर टॉर्च तुम लेते हो, टॉर्च के इधर क्या लगता है? बल्ब लगा, आगे कांच लगा रहता है, जब यहाँ से प्रकाश निकलता है तो इस कांच को पार करते हुए क्या होता है? प्रकाश इधर फैलता है तो क्या होता है? कांच लगा रहता है, कांच इसको प्रकाश को रोकता नहीं, अपने अंदर से होते हुए जा सकता है। तो कांच इस समय, कांच क्या है? कांच तो पारदर्शी, यहाँ लिखे हैं, और कांच के आर पार देखो प्रकाश भी जा सकता है। तो वे सारी वस्तुएं जो पारदर्शी होते हैं ना उसके आर पार एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश जा सकता है। जैसे घर में बल्ब लगा रहता है, तुम लोग देखे होगा बल्ब के अंदर फिलामेंट वाला बल्ब देखा होगा, तो फिलामेंट जलता है तो ऊपर जो कांच लगा था उसको पार करते हुए प्रकाश हम तक पहुँचती है। तो पारदर्शी वस्तुओं के आर पार प्रकाश जा सकती है। तो भैया अर्ध पारदर्शी क्या होता है? सॉरी, अपारदर्शी क्या होता है वो पहले बता दीजिए। अर्ध पारदर्शी का अपारदर्शी वस्तुएं, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख रहे हैं, वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी कहते हैं। भैया ऐसा कौन कौन सा चीज है, ऐसा कौन कौन सा चीज है? अच्छा दीवार, क्या दीवार के आर पार आप देख सकते हैं? हाँ भैया देख सकते हैं, जब खिड़की रहता है, मान लो खिड़की नहीं है पूरा दीवार है, तो क्या दीवार के आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दीवार क्या कहलाएगा? आपका पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है, समझ गया। अगर दीवार के आर पार देख सकते तो कितना अच्छा होता ना, बगल वाला क्या कर रहा है सब हमको पता चल जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर बशर्ते दीवार कांच का बना ना हो, तो हम ऐसा दीवार का बात करें जो सीमेंट उमेंट से बना हो, ठीक है, ऐसा या लकड़ी उकड़ी का बना हो, ऐसा दीवार का बात करें, ठीक है।
तो पारदर्शी दीवार क्या होता है, अपारदर्शी होता है, क्योंकि उसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर वो पारदर्शी होता तो इस रूम में बल्ब जलाते हैं, बल्ब क्या होता है इस पारदर्शी दीवार को पार करके दूसरे रूम में जाता, फिर ऐसे करके एक ही बल्ब लगाते हैं, पूरा घर क्या हो जाता है, इंजोरा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो दीवार है प्रकाश को इसी रूम में रोक के रखता है, दूसरे रूम में जाने ही नहीं देता, क्योंकि इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। तो ये भी लिख सकते हो, दीवार लकड़ी अच्छा त्वचा यानी हमारा जो स्किन होता है, स्किन अच्छा हाथ को ऐसे रख दो, हाथ को तो हाथ के आर पार क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अगर हाथ को ऐसे रख दो, अगर ये त्वचा जो आँख की पलके हैं इसको बंद कर दो तो क्या आप देख पाएंगे किसी चीज़ को, नहीं, क्योंकि इसके आर पार ये जब बंद हो जाएगा तो इसके आर पार दूसरी तरफ क्या हो रही है वो सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती। तो ये जो हमारा त्वचा है, जो स्किन है, वो भी क्या कहलाएगा, आपका अपारदर्शी कहलाएगा। आप रख के अपने आस पास आँख के सामने ऐसे आँख खोल के किसी भी चीज़ को रखिए, अगर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं तो वो पारदर्शी है, नहीं देख पा रहे तो वो अपारदर्शी। ठीक है, आपका जो किताब है बशर्ते किताब में किसी प्रकार का छिद्र छेद ना हो। ठीक है, छिद्र छेद ना हो। अब बोलिएगा भैया किताब तो रख दिए थे लेकिन दिखाई दे रहा था, क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि होल उल होगा, होल उल ना हो उस किताब का हम बात करें। ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी। अब तीसरा होता है अर्ध पारदर्शी। अच्छा, पारदर्शी के आर पार हम प्रकाश नहीं जा सकता, अपारदर्शी ये तो आप समझ ही सकते, अपारदर्शी वस्तुएं के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, दीवार वाला एग्जांपल दे ही दिए। ठीक है, अब लास्ट है हम लोग का आप अर्ध पारदर्शी। लास्ट क्या, अर्ध पारदर्शी। देखो पारदर्शी अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी मतलब आधा आधा दिखाई दे, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे, वे सारी वस्तुएं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई या थोड़ा बहुत दिखाई धुंधला दिखाई दे, या ऐसे लिख सकते हो, ये थोड़ा कंफ्यूज, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे, मतलब धुंधला धुंधला हो, कहीं अगर समझ लो कांच है, कांच को अगर तुम भिगा दिए, कांच को क्या कर दिए, भिगा दिए। ठीक है, तो कांच को भिगाने के बाद क्या होगा, जब कांच अगर भिगा हुआ नहीं रहेगा, पूरा सूखा रहेगा तो पूरा क्लियर तुमको दिखाई देगा, लेकिन कांच को थोड़ा थोड़ा भिगा देते हो तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तुमको दूसरी तरफ दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो भिगा हुआ जो कांच होगा वो क्या कहलाएगा, अर्ध पारदर्शी, मतलब थोड़ा बहुत ही तुमको दिखाई देगा। क्या होगा, भिगा हुआ कांच, भिंगा हुआ कांच आपका क्या कहलाएगा, अर्ध पारदर्शी, क्योंकि इसके आर पार आपको थोड़ा बहुत ही दिखाई देगा। घिसा हुआ कांच, कांच जो नया नया आता है, ठीक है, कांच, ठीक है, जब नया नया आता है तो आपको दिखाई देगा, लेकिन जब उस कांच को घिस दोगे, घिसा हुआ कांच पुराना हो जाता है तो उसके आर पार आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, पुराना वाना जो प्लास्टिक होता है उसके आर पार भी आपको थोड़ा बहुत, देखो यहाँ प्लास्टिक बोलने का मतलब वो इस टाइप का प्लास्टिक बोलने का मतलब आपका इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का रंगीन उंगीन प्लास्टिक का हम बात करें, इस टाइप का प्लास्टिक है, इस टाइप का कांच का बात करें, ठीक है, और जो रंगीन उंगीन होता है उसके आर पार तो हमें दिखाई नहीं देता, उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन इस टाइप का प्लास्टिक या इस टाइप का कांच का हम बात करें, इसको घी सूझ दोगे पुराना हो जाएगा तो इसके आर पार आपको थोड़ा बहुत ही दिखाई देगा। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, अर्ध पारदर्शी। या फिर आप अपने से बना सकते हो, कोई एक टिश्यू पेपर समझते हो, टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर, उसको तेल, टिश्यू पेपर में तेल लगाकर, टिश्यू पेपर में जब तेल लग जाता है तो उसके आर पार हमें थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, समझे ना। तो वे सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, आपके अर्ध पारदर्शी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हमें दिखाई देगा, जिसके आर पार प्रकाश भी जा सकता है वो चीज़ है पारदर्शी। ये एग्जाम्पल है, आप लोग अपने आस पास की चीज़ों को देख सकते हैं, जिसके आर पार आपको दिखाई दे वो क्या कहलाएगी, आपकी पारदर्शी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अर्ध पारदर्शी। ठीक है, अर्ध पारदर्शी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जाली जो एक मच्छरदानी होता है ना उसमें क्या होता है, छिद्र होता है, तो मच्छरदानी के इस तरफ रहते हैं तो उस तरफ का चीज़ हमें दिखाई देता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है, इसका मतलब मच्छरदानी क्या हो, अर्ध पारदर्शी हुआ, नहीं, मच्छरदानी अर्ध पारदर्शी नहीं होगा। ठीक है,
वो अपारदर्शी होगा। ऐसा कोई चीज़ जिसमें हम लोग अपने से छिद्र ना करें, अपने से छिद्र या कृत्रिम छिद्र या मशीन से छिद्र ना करें, ठीक है। उन सब अब यहाँ दीवार पे आप इतना बड़ा होल कर दीजिएगा तो बोले भैया दीवार के आर पार हमें दिखाई दे, तो दीवार क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा? नहीं, दीवार जब पहले स्थिति में था जब मच्छरदानी को पूरा होल को अपने कृत्रिम बंद कर दोगे और उस जब देखने की कोशिश करो कि आर पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो समझ सकते हो। तो अपने से किसी प्रकार का कृत्रिम छिद्र ना करो। तो आई होप यहाँ तक तुमको बेसिक जो चीज़ें थी लाइट से वो समझ में आ चुकी होगी। सबको नोट डाउन करके अच्छे से इसका जो परिभाषा है अच्छे से नोट्स हेयर कॉपी बना लेना, और नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन, ये सब प्रकाश का परावर्तन, ये सब संबंधित विभिन्न प्रकार की जो घटना है उन सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये अभी बेसिक था, इसको अच्छे से तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को मज़ा आया होगा, थोड़ी चीज़ें जानने को मिली होगी और नेक्स्ट डे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।